अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कैसर महमूद। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो सर्दी के मौसम में लोग सर्दियों में अंडे उबाल कर खाते हैं। तो आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है अंडा ग्रेवी। अंडा ग्रेवी बनाना बहुत ईजी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो चलें अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंडा ग्रेवी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और अंडा ग्रेवी हमारा किस तरह तैयार हो। अंडा ग्रेवी बनाने के लिए 8 से 9 अदद हमने अंडे लिए, इनको अच्छी तरह बॉईल कर लिए। अब हम इनको कट्स लगा लेंगे। कट्स हम इनको इसलिए लगा रहे हैं ताकि मसाला इनमें अच्छी तरह चला जाए। कट्स हमने लगा लिए हैं, अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर इनके ऊपर लगा देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे इसके ऊपर और इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मसाला हमने लगा लिया अंडों को। कढ़ाई में 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। इनको 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। एक मिनट हो, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें मजीद घी शामिल कर लेंगे। एक चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद हमने टमाटर लिए थे और इसका अच्छी तरह हमने पेस्ट बना लिया था। 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देंगे और 1 चम्मच नमक इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। एक पाव दही इसमें शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ग्रेवी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे इसमें और इसको 2 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अंडा ग्रेवी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अंडा ग्रेवी हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर देना। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।